8 मार्च रविवार को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत देहरादून एवं पंचायती राज निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाएं रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी मुख्य महिला अतिथियों का स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान द्वारा किया गया। आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वागत करती हूँ इस सभागार में, और आप सबके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आई हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आज के कार्यक्रम मैं कहूँगी मैंने रखा है या पंचायत राज निदेशालय ने रखा है, इसके पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, मैंने कहा चलिए इस बहाने सारी बहनों के साथ बैठना हो जाएगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि महिला का व्यक्तित्व इतना छोटा नहीं है कि हम उसको एक दिन में या एक समय में बांध सकें। महिला का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, और शायद इसी वजह से प्रकृति ने सृजन की जो क्षमता दी है सिर्फ महिला को दी है। 8 मार्च को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। तो इसके लिए हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि चुन के आई है नई, उसमें चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर्स हो, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे हमारे जिला पंचायत के सदस्य हों, तो मैंने अपनी तरफ से ये इस बार सोचा है कि कहीं ना कहीं हम लोग महिला चुन के तो आ जाती है, लेकिन हम लोग अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमको किसी ना किसी का हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो इस वजह से मैंने इस साल 8 मार्च को कार्यशाला रखने की सोची है, और जिसके लिए जो कार्यशाला में हमारी जो बहनें और जो समाज से जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं समाज में महिलाएं, उनका सहयोग हमने लिया है, और वो सभी महिलाएं आई है, और हमारी जितने नई जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइड करेंगी, और वो जो अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ी हुई हैं उनसे हमारी सब जो जनप्रतिनिधि है वो इंस्पिरेशन लेंगी। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक राष्ट्र की तरक्की तभी होती है जब वहाँ रह रही महिलाएं जो हैं उनका विकास किया जाए। तो हमारे देश में वैसे तो कई योजनाएं चल रही हैं जो महिला के विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करती हैं, और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो आज जो हम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं वो केवल उस दिन तक सीमित ना रहे, उसमें जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं वो हम उस पर कार्य करें और लगातार उस पर प्रयास बनाते रहें ताकि महिलाओं की जो है उन्नति हो सके। कार्यक्रम में समाज में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कार्यक्रम में आए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाली महिलाओं, जिनमें डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती, IFS नीलिमा शाह, BDO कालसी सुमन कुटियाल, कंचन देवरानी समेत उत्तराखंड के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को महिला शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमको सिर्फ एक दिन की औपचारिकता निभाकर खत्म नहीं कर लेनी चाहिए। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है, और इसको मनाने की ज़रूरत हमको एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। हमको अपने को इतना शक्तिशाली महसूस करना चाहिए, क्यों हम आज इतना अपने को कमज़ोर महसूस करने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन हम अपने शब्दों में करते हैं। महिला पहले भी शक्तिशाली थी और है और रहेगी, क्योंकि समाज का जो विकास है और समाज की जो संरचना है वो महिला से ही होती है। अगर हमें महिलाओं को स्ट्रांग समझना है अंदर से, तो हमको अपने अंदर भी समझना पड़ेगा, महिलाओं को स्वयं भी भूमिका निभानी पड़ेगी।
आज मैं यहाँ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में यहाँ उपस्थित हुई हूँ और महिलाओं का जो भागीदारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ बड़ी भीड़ संख्या में जो है यहाँ उपस्थित देख के मुझे बहुत उत्साहित हुई हूँ और महिलाओं का जो आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की जो भावना है वो देखने को मिलता है और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को जो है स्वावलंबन बनाते हुए उसमें आत्मनिर्भरता बनाते हुए उनको अपने पैरों में खड़े होने का जो ध्येय है उनको बनाए रखना चाहिए। आज इस महिला दिवस पे यहाँ पे उपस्थित या जो भी आ रही हैं या जो यहाँ नहीं आ रही हैं उन सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ और मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करें और अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए आगे बढ़ें और आज के दिन महिला दिवस पे मेरी सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से और बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचायत राज संस्थाओं का हमने कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के महिला जनप्रतिनिधियों का एक जन जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें महिला अधिकारों के साथ साथ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर परिचर्चा आयोजित की गई है जिसमें हमारी माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा देहरादून मधु चौहान जी भी हैं और जो भी सामाजिक क्षेत्र में और शासकीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी इसमें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके और महिला अधिकारों के प्रति वो सजग हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित IRDD सभागार में भी महिलाओं के सम्मान में शैलश्री सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भोले जी महाराज एवं माता मंगला रही, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेंद्र सिंह नेगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली महिलाओं में मधु मैखुरी को दिव्यांग जनों की सेवा हेतु, उत्तरकाशी की विजय लक्ष्मी को दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिभा नेथानी को समाज सेवा के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ की सनम देवी नबियाल को होम स्टे के सफल संचालन के लिए और जनपद बागेश्वर की कमला देवी को लोक गायन के क्षेत्र में शैलश्री सम्मान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सब महिलाओं से, विश्व की सब महिलाओं से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दें। विशेष बधाई और शुभकामनाएं अपरी उत्तराखंड की महिलाओं से जो उनकी बड़ी विषम परिस्थितियों में अपर घर परिवार चलाई और वास्तव में उत्तराखंड बनवाण में जो योगदान छ उत्तराखंड की महिलाओं को छ, तो ये वास्ता आज जो हम उत्तराखंड की वादियों में सांस छीन लौना और खुश छन से यु खुशनुमा माहौल हमारे उत्तराखंड की बेटी बुआरियों से हमारे माता बहनों से बनायूँ, तो ये वास्ता में तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दें। मैं तो 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण दिन छः किले कि मैं तो ये दिन अपने मातर बहनों बहनों को सम्मान करने को मौका मिल दो और ये वास्ता में शुक्रगुजार छूँ अपनी माताओं और बहनों को। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी सभी महिला मित्रों को बधाई देती हूँ और मैं कहूँगी कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत ही अच्छा इतिहास है और उसमें वैदिक काल से ही हम लोग बहुत नारी को जो है समान दर्जा दिया गया है और बिना नारी के कभी भी कोई धार्मिक कार्य या कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। धीरे धीरे करके ये पतन कैसे आया पता नहीं, पर नारी जो है पुरुष के बराबर है और नारी और पुरुष एक दूसरे की धुरी हैं, एक दूसरे के बिना किसी का गुजारा नहीं है। मैं अपनी 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, नर से बढ़कर नारी है, एक नहीं दो दो मात्राओं से भारी है। और मैं लिखती हूँ इस तरह से कि हारती नहीं हूँ मैं, हरी जाती हूँ, मृदु वचनों से ठगी जाती हूँ, मैं खेलती नहीं कोई दाव, फिर भी जुवे में हारी जाती हूँ, मैं जननी हूँ तुम्हारी ये तुम भूल जाते हो, मैं माँ हूँ, माँ की तरह कोमल हृदय से हरी जाती हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी महिलाओं को, माताओं बहनों को, सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषकर जो पहाड़ों में हैं जो महिलाएँ आज भी और एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं जो बहुत पहाड़ जैसी बहुत कठिन ज़िंदगी है, तो मैं सोचता हूँ आज के दिन उनके
लिए भी चिंतन होना चाहिए कि उन किस ढंग से जो पहाड़ों में रह रही महिलाएं उनको किस ढंग से सहूलतें दी जाएं, उन महिलाओं का जीवन किस तरह से सरल सुगम बनाया जा सके, ये मैं इस बारे में सरकारों को भी और हम सब समाज के लोगों को भी उस पर चिंतन करना चाहिए। आज महिला दिवस की मैं सभी महिलाओं को, उत्तराखंड की सभी माताओं बहनों और महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे उत्तराखंड में बहुत ही इंस्पायर्ड लेडीज़ रही हैं हमारी, जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और बहुत वीर बड़ी बड़े वीर नारियों को हमारे उत्तराखंड ने जन्म दिया है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम उन सबके बहुत आभारी हैं। जिस उत्तराखंड की भूमि में आज हम खुशी से रह रहे हैं वो भी हमारी माताओं और बहनों की ही देन है। मैं उन सभी माताओं बहनों को आज का ये दिन समर्पित करती हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे राज्य देश और पूरे विश्व की महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने हमारे समाज को एक दिशा दी है। हम उम्मीद करते हैं वो भविष्य में भी आगे इसको बरकरार रखेंगे।